हेलो दोस्तों, खाली दुकान को कम सामान में कैसे सजाएं। अगर आपकी दुकान खाली है और आपके पास सामान कम है और आप चाहते हैं कि हमारी दुकान भारी लगे यानी बड़ी लगे, तो आप कम सामान में अपनी दुकान को भरी कर सकते हैं, यानी आपकी दुकान भरी भरी लगेगी और उसके साथ साथ में आपकी दुकान जो होती है ना, आपकी दुकान बड़ी लगेगी, जिसकी वजह से आपके सेल में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और फायदे के साथ साथ में आपकी दुकान पर कस्टमर आना पसंद करते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास कम सामान है तो आप कम सामान में भी आप अपनी दुकान को किस तरह से भरी भरी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं किस तरह से अपनी दुकान को भरी भरी करके रखता हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और कैसे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी दुकान भरी भरी लगे और इस तरह से हमारी भी दुकान दिखे, क्योंकि देखिए बहुत से भाई का ये सवाल होता है भाई कि देखिए हमारे पास पैसा कम है, बजट कम है और हमारी छोटी दुकान है, हमारे पास पूंजी कम है। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बजट कम है ना, आपकी छोटी दुकान है और पूंजी कम है, तो आप किस तरह से अपने कम बजट में आप अपनी दुकान को किस तरह से बड़ी कर सकते हैं, जो आपकी दुकान भरी भरी लगे और आपकी दुकान बड़ी लगे, जिस वजह से आपके सेल में फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा और कस्टमर भी आना पसंद करते हैं आपकी दुकान पर। तो आज की वीडियो में आप सबको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बिसलेरी इससे पहले नहीं मिला होगा, बल्कि मैं बिसलेरी यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइनें होती हैं, पीछे भी लगाता हूँ और आगे भी लगाता हूँ इस तरह से। इससे क्या होता है, दुकान पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कस्टमर पर और हमारे सेल में। ये दो तीन दिन के अंदर मैंने अपनी दुकान को किस तरह से नया प्रोडक्ट लेकर आया, जिस तरह से मैं कस्टमर को अपनी तरफ खींचता हूँ और कस्टमर मेरी दुकान पर खींचे हुए चले जाते हैं। और कस्टमर के साथ साथ में जो बच्चे होते हैं, जो ट्रॉफी जो होती है 50 पैसे वाली, जो कि हमारी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। वैसे देख सकते हैं ये हमारी दुकान है, जो कि कैसे मैंने दो तीन दिन के अंदर ये सब मैंने नया प्रोडक्ट ला के रखा, जो कि बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट पड़ता है हमारी दुकान पर और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे सेल में और कस्टमर पर। और गाइस मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस देख सकते हैं आप पीछे का नज़ारा कि मैंने किस तरह से अपनी दुकान को नया चीज डाला, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। गाइस साथ देखते हैं ये तेल वगैरह है, जो कि तेल बहुत ज़्यादा सेल होता है, आपको पता होगा ठंड के मौसम में ये सब तेल बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा होती है। एक ऐसा आदत है, ये 20 रुपये बिक्री है, डाबर आंवला है और ये सरसों आंवला है, जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है और ये शांति आंवला है। गाइस, अगर आपके पास पूंजी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि सामान आप उतना ही ले पाएंगे जितना कि आपका सेल होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सामान कम है तो आप इस तरह से अपनी दुकान को सजा कर रख सकते हैं, क्योंकि आप गाइस देख सकते हैं मैं इस तेल को पूरा यानी कि सटा कर रख सकता था, एक जैसा करके रख सकता था, जो बीच में फासला है ये फासला मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या था कि हमारे पास इतना ही सारा था, जो कि मैंने पूरा 12-12 पीस लिया था, है ना। तो मैंने इस तरह से रखा ताकि देखने में अच्छा लगे और जो कस्टमर होते हैं ना, जब देखते हैं उनका जो पसंदीदा जो तेल होता है, उनको हर एक चीज़ें दिख जाती है और मिल भी जाती है और उसके साथ साथ गाइस हमें भी आसानी होती है इस सामान को देने में। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नारियल तेल है, जो कि 10 बिक्री का है और ये सरसों आंवला है 10 बिक्री का है। ये गाइस मैंने सब अलग अलग करके रखा है ताकि हमें देने में आसानी हो। इससे क्या होता है ना, इस तरह से रखने से जो सामान होता है, जो प्रोडक्ट होता है, आपको दिख जाता है। और गाइस अगर आपकी दुकान पे कस्टमर ज़्यादा होते हैं ना, तो आपका समय भी बच जाता है ना। और कस्टमर को आपको पता है कस्टमर कितना जल्दी में रहते हैं, उनको जल्दी रहती है, भले घर पर जाके सोएं वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपकी दुकान पर आएंगे उनको जल्दी रहती है। तो गाइस आप इस तरह से अपनी दुकान को नया नया चीज़ ला के ऐड करें और नए नए तरीके से आप सामान को सजा के रखें। अगर आपके पास बजट कम है तो गाइस आप इस तरह से रखें, तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके पास सामान कम है थोड़ा फासला करके रखें और जो पीछे का हिस्सा है, गाइस मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से आपको रखना भी है। आप एक नए दुकानदार हैं तो आप इस तरह से अपनी दुकान को सजा सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कम सामान है, कम पूंजी है और आपकी दुकान छोटी है, तो गाइस आप इस तरह से भी रह सकते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आपको जितना सेल हो उसी तरह से आप सामान लें, है ना। और अब रह गई बात सजावटी की कि आप अपनी दुकान को किस तरह सजा कर रह सकते हैं ताकि कस्टमर को अच्छा लगे और आपकी दुकान भी अच्छी लगे, है ना। तो गाइस आप इस तरह से भी रह सकते हैं, जहाँ पर आपका सेल 6 cc का है, तो अगर आप 6 cc ला रहे हैं यानी 6 डिब्बी ला रहे हैं, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, तभी आपकी दुकान भी अच्छी लगेगी। देख सकते हैं आप इस तरह से भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये शांति आंवला की सेल कम है, कम बिकता है, अगर आप कम लाएंगे तो इस तरह से आप सजा के रख सकते हैं। आगे पीछे छोड़िए, पीछे कोई नहीं देखता, जो कस्टमर होते हैं आगे दिखते हैं, क्योंकि देखिए जो दिखता है वही बिकता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपकी बजट अच्छी है यानी कि इसकी सेल ज़्यादा होती है शांति आंवला की, ये आपको थोड़ा सा फासला करके रखना है, जो कि अच्छी लगे और आपको सामान भी आसानी हो देने में और
कस्टमर के भी समय बच जाए, क्योंकि उनको जल्दी की चीज़ें मिल जाएँ। क्योंकि देखिए सबसे जो अहम होता है, जो सबसे खास होता है ना, किराना दुकान की सजावटी जो सबसे मेन होता है किराना दुकान का। क्योंकि देखिए अगर आप इस तरह से सामान सजा के रखेंगे ना, तो आपको चीज़ें आसानी होगी देने में और आपका समय भी बचेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ये पेट्रोल का डिब्बा है जो कि आप हर वीडियो में देखते होंगे। ये कैसे आप दे सकते हैं, आपका हिसाब दे सकते हैं। ये मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने ये जो मेरा पेट्रोल वाला डिब्बा है जो मैं तेल देता हूँ पेट्रोल, मैं इस तरह से रखता हूँ। और जिसका नपना है, जिसका नाप है, मैं पीछे रखता हूँ। क्यों रखता हूँ पता है, ताकि देखने में अच्छा लगे। देख सकते हैं आप, ये अभी आपको यहाँ पर सिर्फ डिब्बा ही दिख रहा होगा। और कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नारियल तेल है जो कि 10 बिक्री वाली है और ये भी 10 बिक्री वाली है। अब भाई अगर मैं चाहता ना तो ये जो नारियल तेल है मैं पूरे में रख सकता था, ये जो सरसों आंवला तेल है 10 बिक्री वाला मैं पीछे साइड में रख सकता था या फिर और कहीं रख सकता था, लेकिन मैं यहीं पे रखा हूँ इसलिए ताकि देखिए अगर फासला कम होगा। और ये सरसों आंवला भी है, मैं इसलिए यहाँ पर रखा ताकि भरी लगे और देखने में अच्छी लगे, सामने से कस्टमर को देखने में अच्छी लगे और हमें भी अच्छा लगे सामान देने में। गैस आप दे सकते हैं, और आपको गैस यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ये सब सारा पूरा तेल है जो कि गैस ये मैंने 2 दिन के अंदर ये सब पूरा सजावटी किया अपनी दुकान को। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको ये वीडियो बना के दिखा दूँ और आपको ये जानकारी दे सकूँ, ताकि आप भी इस तरह से अपनी दुकान को रख सकें, है ना। अगर आपके पास बजट कम है, पैसा कम है, कम पैसे में कम बजट में आप अपनी छोटी दुकान को बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। आप गैस आप देख सकते हैं, ये पानी वगैरह है जो कि बोलते हैं बिसलेरी। अब वैसे ही मैं अपनी दुकान पर इस तरह से रखता हूँ बिसलेरी पानी को। गैस आप देख सकते हैं, ये बिसलेरी पानी आपको यहाँ पीछे भी दिखेगा, ये मैंने पीछे भी रखा है। ये पूरा 2 लाइनें हैं, ये नीचे लेके ऊपर तक। गैस आपको इस बाल्टी में आपको रिफाइंड मिलेगा, ये तेल का टंकी है और ये चीनी है। देखिए जो भी मैं सामान देता हूँ कस्टमर को, इस तरह से मैंने पेटी बना के रखा है, यानी गत्ते में रख के रखता हूँ। इससे क्या होता है ना, हमें बहुत आसानी होती है। और जो सामान होता है ना, क्योंकि देखिए कुछ किराना दुकानदार ऐसे होते हैं ना कि जो सामान उनका इधर ही पड़ा रहता है, बिखरा रहता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो गैस मैं इसी में रखता हूँ ताकि हमें देने में आसानी हो और देखने में अच्छा लगे और जो हमारी दुकान है ना पूरी साफ साफ दिखे, जो कस्टमर को भद्दा ना लगे देखने में और हमारे कस्टमर भी खुश रहें। और जो दुकान का मेन हिस्सा होता है इसकी साफ सफाई होती है। और इसके साथ साथ में गैस आपको अपनी दुकान को सजा कर रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी दुकान अच्छी लगे। क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा, अगर आप एक किराना दुकानदार होंगे तो जो कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर क्या सोचते हैं पता है, अगर आपके पास एक सामान है और एक सामान नहीं है, ठीक है ना, दो सामान है एक सामान नहीं है, तो कस्टमर उसी दुकान पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको सारा सामान एक ही जगह मिलता है। तो आप थोड़ा ही सामान रखें, इस तरह से रखें ताकि कस्टमर को पूरा सामान दिख जाए। कोई भी बिस्किट हो गया, अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपको ये जो रैक है ना आपको खाली दिखेगा। अगर आप इस तरह से भी रखेंगे, इस तरह से बहुत से दुकानदार हैं मैंने देखा इस तरह से रखते हैं, इससे क्या होता है ना, जो ये फासला है इससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता है दिखने में। और जो ये चीज़ें होती है, अगर आप इसी चीज़ को अगर आप ये सामने से रखते हैं, ये चीज़ भले इधर खाली रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर आप इस तरह से रखते हैं, अगर आपके पास कम बिस्किट है, कम सामान है और आपके पास डबल रैक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा दोनों रैक भरा रहे, तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपकी दुकान जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी दुकान। आप देख सकते हैं ये तेल वगैरह है, आप तेल अगर आप इसी चीज़ को अंदर करके रखेंगे इस तरह से, बहुत से दुकानदार हैं मैंने देखा है जो इस तरह से रखते हैं तेल। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, रख के भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से रखते हैं, जो कि बहुत ख़राब दिखता है। गैस आप देख सकते हैं इस तरह से रखते हैं, और ये चीज़ें देख सकते हैं आप इस तरह से रखते हैं। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो अंदर में डाल के रखते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, जो आपकी दुकान की लुकिंग होती है ना वो आपकी दुकान पर नहीं आती है, है ना। अगर आप इस तरह से रखेंगे, भले सामान कम हो, पीछे कोई नहीं देखता है, हर कोई आगे देखता है, सामने देखता है, जो सामने दिखे अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपका जो रैक है ना, रैक आपको भरा भरा दिखेगा। और आपकी दुकान जो होती है ना, भले ही आपके पास सामान कम है, आपकी दुकान छोटी है, आपके पास पूंजी कम है, अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपका जो दुकान होता है ना काफ़ी अच्छी खासी लगती है और काफ़ी भरी भरी दिखती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो रैक है, जो तेल का रैक आप देख रहे हैं पूरे 2 लाइन में आप देख सकते हैं, ये पूरे 2 लाइन में, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही तुम हमारे पास तेल ही है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे रैक हैं जो आपको पूरा दिख रहा होगा, पूरा भरा भरा देख सकते हैं। बट गाइस कुछ तेल ऐसे हैं जो कि हमारे पास कम है, तो मैं इस तरह से आगे करके रखा हूँ। जैसे कि अभी क्लासिक हो गया, अब क्लासिक में मैंने ये तुलसी रखा है इसलिए ताकि अच्छी लगी और हमारी दुकान भरी भरी लगे। क्योंकि देखिए अगर मैं
ये सोचता कि क्लासिक है तो क्लासिक रहे, और जो ये हिस्सा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये रैक है यहाँ पर खाली लग रहा है ना। तो हमको कस्टमर को ये दिखाना है कि कस्टमर को ये लगे कि दुकान भरी भरी है, भले हमारे पास सामान कम हो। तो कैसे अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी खासी दिखेगी, यानी कि आपकी दुकान अगर भरी भरी रहेगी तो कस्टमर को ये चीज़ ज़रूर लगेगा कि भाई यहाँ पर सामान पूरा हमें मिल जाएगा, हमारी जरूरत की चीज़ें हमको यहाँ पर मिलेगी। तो हर कोई ये देखता है कि दुकान भरी है, दुकान बड़ी है, तो इस वजह से कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं आपकी दुकान पर। तो आपको इसी तरह से आपको अपनी दुकान को सजा कर रखना चाहिए, है ना। चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, कोई भी दुकान हो, आपको इसी तरह से रखना चाहिए आपको अपनी दुकान को। फिर से एक बार रिप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी शॉप है जो गाइस मैंने, भले हमारे पास सामान भले ही कम हो, लेकिन मैं इस तरह से अपनी दुकान को सजा कर रखता हूँ जो कि बहुत खूबसूरत दिखती है इससे, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी दुकान पर, और काफ़ी ज़्यादा सेल में फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस तरह से अपनी दुकान को सजा कर रखेंगे तो आपकी दुकान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा और काफ़ी अच्छा खासा सेल भी होगा आपका। जो कस्टमर बाहर जाने वाले होंगे, मार्केट जाने वाले होंगे, अगर आपकी दुकान इस तरह से होगी तो आपके दुकान पे 110% है आपके दुकान पर ही आना पसंद करेंगे। और इसके साथ साथ में आप व्यवहार सही रखिएगा, जो मैन होता है व्यवहार होता है। और सबसे पहली बात, इस तरह से आप दुकान करके रखेंगे, साफ़ सफाई करके रखेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमारी दुकान है ना, तो 110% है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप सबके सपोर्ट से और प्यार से मैं एक डीप फ्रीजर ले सकूँ। बहुत से भाई मैसेज करते हैं और ये सवाल पूछते हैं, भाई आपके पास डीप फ्रीजर नहीं है, तो भाई अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी ही ले लूँगा एक डीप फ्रीजर। तो आज की वीडियो तक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।